बल्कि समुचे भारत में स्वतंत्रता किनारे बलवंत स्वतंत्र वीर विधायक बंधु जैसे असहयोग आंदोलन महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों महात्मा गांधी जी ने मुंबई के ही ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका अदा की और भारत में अंग्रेजी हुकूमत की धीरे किया है। जिस गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी थी अंग्रेजों ने, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी उसी दीवारें उस दिन का इंतजार कर रही थी जब देश आजाद और वे स्वतंत्र हवा में सांस ले। 15 अगस्त 1947 लगभग 200 सालों के संघर्ष के बाद देश अंततः आजाद हो गया। उसी आजाद मुस्कुराहटों को महसूस कर रहा था सारा देश। स्वाधीनता की चमक से हर भारतीय का चेहरा खिल उठा। अंग्रेजों का आखिरी समुद्री बेड़ा रवाना होते देख रहा था गेटवे ऑफ इंडिया। यहीं से निकल रहा था कि यहीं से भाग गए वो। समय का पहिया स्वतंत्र भारत में प्रवेश कर गया। एक नया सूर्य उदित हुआ। भारत का भविष्य चमकाने का। गानों के महाविद्वान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अगुवाई में स्वतंत्र भारत का संविधान बना। बाबा साहेब के विचार और उनकी नीतियां नए भारत के निर्माण और इसके सामाजिक उत्थान का आधार बने। संघर्षों में निकलना मराठा माटी की अनोखी सूत्रत है। आजाद भारत की आर्थिक मजबूती के लिए महाराष्ट्र ने चुना औद्योगिकरण का मार्ग। मुंबई जो पहले बॉम्बे कहलाती थी, जहां पहली रेल चली, पहली फिल्म बनी, आजादी के बाद दिन ब दिन चमकने लगी। सपनों की नदी भारत की आर्थिक प्रगति का केंद्र बन गई। भारत चल पड़ा उन्नति की राह। शिक्षा, स्वास्थ्य, सैन्य शक्ति, सामाजिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण सभी मोर्चों पर आगे बढ़े। 75 सालों में भारत ने बना ली अपनी वैश्विक पहचान। जिनके बलिदानों से मिली अनमोल आजादी, उन्हें नमन करते हुए सारा देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। अगला 25 वर्ष अमृत काल है भारत का। भारत जानता है गति में है प्रगति, रुकना नहीं, झुकना नहीं। संकल्प है आज के भारत की, सर्वश्रेष्ठ भारत, सर्वशक्तिमान भारत। लक्ष्य है आज के भारत की। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चाहिए जो दृढ़ संकल्पी और दूरदर्शी नेतृत्व। सौभाग्य देश का केवल हासिल है। निरंतर आगे बढ़ रहा है देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में।
जिनका संकल्प है आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 से पहले भारत को ऐसे देशों की सूची में शामिल करना और यह संभव है उन पंच प्रणों के दम पर। विकसित भारत का संकल्प गुलामी की हद सोच से अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व और नागरिकता के पाने इन पांच प्रतिज्ञाओं के दम पर भारत बनेगा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इस गाथा को किसी मोड़ पर छोड़ मैं चल पड़ा अपनी अनंत यात्रा। मैं फिर मिलूंगा जब भारत मना रहा होगा आजादी का शताब्दी वर्ष।